बड़ी खबर, अभी भारत सरकार के अधिवक्ता की बात आप देख रहे थे जो इस सुनवाई के दौरान मौजूद थे। विवेक हमें और विस्तार से बताएंगे, लेकिन उनकी बात से बहुत साफ है कि कोर्ट ने तथ्यों की कमी और गलती की वजह से, और जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट का नहीं था, हाई कोर्ट का नहीं था, इस कोर्ट में इसको नहीं सुना जा सकता था, मेंशनेबल नहीं थी, इसे नहीं सुना जा सकता था, इसलिए खारिज कर दिया है। इस याचिका को ये आधार बताते हुए खारिज किया गया है। इस याचिका में जो बातें कही गई थी, जो तर्क दिए गए थे, उसमें फैक्चुअल मिस्टेक्स थी, यह भी कोर्ट ने पाया, और इसका जुरिस्डिक्शन यानी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ये नहीं था, इसलिए भी इसको खारिज किया है। ये वकील साहब की बात से स्पष्ट है। जिन वकील साहबान की बात अभी आप सुन रहे थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के वकील थे, इस सुनवाई में भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए मौजूद थे, और उन्हीं की बात अभी हमने आपको लाइव दिखाई है। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी वहीं पर मौजूद हैं, कोर्ट के ठीक बाहर। इस सारी सुनवाई को वो देख भी रहे थे, इस सारी सुनवाई पर वो रिपोर्ट कर रहे थे आपको, उनसे हम और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसको डिसमिस कर दिया है, इस याचिका को खारिज कर दिया है। ताजमहल के 22 कमरे खुलवाने की मांग थी इसमें, उसमें सर्वे करवाने की मांग थी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग थी, और उस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर। तो फिलहाल पिटिशनर को यहां निश्चित रूप से झटका लगा है, जो याचिका करता है रजनीश सिंह, उनको झटका लगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से। उन्होंने जो पिटिशन दाखिल की थी, जो मांग की थी कोर्ट से, वो याचिका डिसमिस कर दी है फैक्चुअल मिस्टेक्स की वजह से, तथ्यात्मक गलतियों की वजह से, और कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर की बात बताई गई। जो ये मुझे ऐसा वकील साहब ने बताया है। आपने क्या क्या तर्क रखे थे? मैंने सिर्फ बहुत सिंपल सा तर्क रखा था, कुछ 22 कमरे सुरक्षा कारणों से बंद है, उसको खोल दिया जाए। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की थी उस पर मुझे नहीं जाना है। कोर्ट ने कहा कि आप नहीं खोलेंगे, जो भी रहो जजमेंट, उन्होंने मेरी प्ली डिसमिस की है। आपकी PIL को कोर्ट ने तल्ख नजरिए से देखा और फटकार भी लगाई, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ऐसा सच है तो क्या अनपढ़ को भारत का इतिहास जानने का अधिकार नहीं है? क्या हमको मुगलों का इतिहास ही पढ़ाया जाएगा? कोर्ट ने आपसे कहा कि तैयारी करके आइए, PhD करिए, रिसर्च करिए। लॉर्ड से परमिशन दे, मैं PhD करने के लिए तैयार हूँ, अगर ये बात सही है आपकी। तो कोर्ट ने आपसे और क्या क्या कहा? हम मैं अंदर नहीं था, लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं अगर वो सही है तो मैं ऑनरेबल न्यायालय से मांग करूंगा कि हमको परमिशन दे दे, मैं अपील जो है मैं PhD करने के लिए भी तैयार हूँ। अब आप आके क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर PIL दाखिल करूंगा, निश्चित जाऊंगा। ठीक है, देखिए राजेंद्र, याचिकाकर्ता हमारे साथ थे रजनीश, जो भाजपा के नेता भी हैं, और वो कह रहे हैं कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी यहाँ